वेलकम दोस्तों, सिविल इंजीनियर के लिए राइट्स का तरफ से वैकेंसी आया है। हम लोग जानते हैं राइट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अंडर में आता है, पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया है। तो हम लोग डिटेल्स देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, एंड कौन सा फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। ओके, सो लेट्स वर्क वन बाय वन। देखिए, राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू का बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है। ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है। आपको इंटरव्यू का बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इसमें पोस्ट है ड्रॉइंग एंड डिजाइन इंजीनियर SNT। ओके, इसमें अनडिजर्व के लिए वन वैकेंसी है, एंड और एक जो सेक्शन इंजीनियर सिविल, इसमें भी आपको अनडिजर्व के लिए वैकेंसी है, एंड नंबर ऑफ पोस्ट इज वन, ओनली वन पोस्ट है। ओके, देन देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एज स्टेटेड इन द टेबल बिलो, एंड कैंडिडेट्स नॉट सेटिस्फाइंग द स्टेटेड क्राइटेरिया विल बी डिसक्वालिफाइड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। ओके, आपके इंटरव्यू का दिन ही डिसक्वालिफाई किया जाएगा। मीन्स आपको डिग्री एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसका पूरा मैच होना चाहिए। देखिए, ड्रॉइंग एंड डिजाइन इंजीनियर के लिए आपको नंबर ऑफ पोस्ट इज वन, इसमें आपको कितना बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, किसी भी डिग्री किसी भी ब्रांच में आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स नाइदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नाइदर इलेक्ट्रिकल। ओके, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, BBTech एंड डिप्लोमा, आपके पास किसी भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है। फिर जो वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के लिए, देखिए, सेक्शन इंजीनियर सिविल 4 ईयर्स फॉर डिग्री होल्डर्स एंड 7 ईयर्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। सपोज आपके पास डिग्री है BBTech है, तो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड डिप्लोमा है तो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ओके, एटलीस्ट 2 ईयर्स फॉर डिग्री होल्डर्स एंड 4 ईयर्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जो ड्रॉइंग एंड डिजाइन इंजीनियर SNT के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इतना, एंड जो सिविल इंजीनियर के लिए मांगा गया है 4 ईयर्स फॉर डिग्री होल्डर्स एंड 7 ईयर्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। एटलीस्ट 2 to 4 ईयर्स डिग्री और डिप्लोमा एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एनी एलिजिबल वर्क। ओके, इन सबको 2 से 4 साल तक, डिग्री के लिए 2 साल एंड डिप्लोमा वाले के लिए 4 साल, किसी भी एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन और सुपरविजन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। मीन्स आपको साइट सुपरविजन का एक्सपीरियंस है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं इसी फील्ड में स्पेसिफिकली। टोटल आपको लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस 4 ईयर्स होना चाहिए फॉर डिग्री होल्डर्स एंड 7 ईयर्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। एलिजिबल वर्क शैल मीन कंसल्टेंसी वर्क एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड जनरल कंसल्टेंट फॉर अ न्यू रेलवे लाइन और गॉज कन्वर्सेशन ऑफ रेलवे लाइन और डबलिंग ट्रिपलिंग, ये सब आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन स्पेसिफिकली आपको रेलवे प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आपका एक्सपीरियंस शैल बी कैलकुलेटेड एज 11/11/2024। ओके, एक कट ऑफ डेट मान के आपको एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको ओनली इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू का टोटल वेटेज है 100, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज दिखाया जाएगा 65% मार्क्स, एंड जो कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी होगा उस एंड कॉम्पिटेंसी, इसके लिए 35% आपको मार्क्स दिया जाएगा। एंड नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल अंटिल द कम्प्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल कंसेंट एंड सेटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस। ओके, मीन्स ये आपका होते रहेगा, एंड आपका जो एक सैलरी कितना मिलेगा, सपोज आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी मिलेगा फॉर डिग्री होल्डर्स के लिए 27,000 एंड ईयरली सीडीसी इतने, एंड फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18,940। ओके, एंड फॉर रेम्यूनरेशन ऑन लमसम बेसिस द बेसिक रेम्यूनरेशन विल बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 3% ईच ईयर एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा। आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई, आपको बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजिशन। एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा, एंड इसी एड्रेस में आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स हैज टू ब्रिंग ड्यूली फिल 2 कॉपीज ऑफ द एनेक्सर ए
एनेक्सर ए में जो फॉर्म है उसको फिलअप करके लेके जाना होगा एंड डॉक्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सबमिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, देन आपका लास्ट डेट है 11/11/2024, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड वेन्यू एंड डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू होगा 11/11/2024। ओके, एंड ये हो गया एनेक्सर ए, इसको फिलअप करके आपको लेके जाना होगा। ओके, विथ एडुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इस एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया है, इसको जाने के लिए आप सबसे पहले गूगल में आइए, देन देखिए देखिए राइट्स, ये हो गया राइट्स का करियर का होम पेज। इसमें देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ द इसमें देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थ्रू वर्क इन इंटरव्यू। इसमें डेट ऑफ पोस्टिंग 7/10/2024 एंड डेट ऑफ क्लोजिंग 11/11/11/11 पे आपको वर्क इन इंटरव्यू है, तो इस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक कीजिए। सो ये हो गया आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे।